आज प्रेसिंग में कुंडली बोली पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था इसे आपको करना है। अगर आपने कर लिया होगा तो बहुत अच्छा, नहीं किए तो देख लीजिए। ये आपका है डी ओ एम डी आई एन, यहाँ डी ओ एम एम डी ई, इसके बाद है ओ जे बी। इसको मिलाते हैं कि डी के सबसे पास वाला लेटर कहाँ है, तो डी के सबसे पास वाला लेटर देखिए ई के पास है यहाँ। और कैसे आना होगा डी का, डी से नेक्स्ट वाला आंसर रखने के बाद इसमें क्या किया है प्लस एक किया। फिर एम को देखिए तो एम का करीबी लेटर कौन सा है, एम है, और ये कैसे आया होगा ए प्लस एक करने के बाद होगा। उसके बाद ओ का करीबी लेटर है ये भी कैसे आया होगा प्लस एक करने से आया होगा। इसके बाद हम आगे एम एन एन के बाद ओ ए कैसे आया होगा प्लस एक करने पे, ए के बाद बी ए कैसे आया होगा प्लस एक करने से, आई के बाद जे ए कैसे आया होगा प्लस एक। तो इस तरह की क्रॉसिंग कैसे चल रही है, तीन का एक सेट लिया उनके बीच में कुछ इस तरह का यहाँ पे तीन का एक सेट लिया और किनारे वालों को किनारे किनारे बीच वाले को ऐसे ही छोड़ दिया। तो इस तरह से तो आपसे पूछा था मैंने क्वेश्चन था मुझसे स्ट्रिंग स्ट्रिंग बना होगा एस टी आर टी ए एन, तो तीन तीन का आप सेट ले लेते हैं। एस का क्या हो जाएगा टी मैसेज करेंगे, आर के बाद एस, टी के बाद यू, यहाँ पर एम के बाद एन और ई के बाद एफ, ई के बाद ये आप समझ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम लोग और दूसरे टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला है पॉकेट, पी ओ सी के टी टी, पॉकेट का मतलब क्यू एन डी जे, क्यू एन डी जे एफ एस। तो डी एन का कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, और इसको समझना है कि इसमें क्या कोडिंग है। तो सबसे बेहतर होता है कि आप नीचे रखकर करिए, जैसे हमने यहाँ दिया क्यू एन डी जे एफ एस, यहाँ समझ में आता है क्योंकि इसके नीचे वाला इस पहला वाला जो है ऐसे हम इस तरह से करेंगे वैसे देखिए इसके जैसे नीचे आ गए। और यहाँ पहले का पहले से रिलेशन होता है या तो पहले का लास्ट वाले से या तो फिर कोई बीच वाले से होगा रिलेशन, ये तीन में होते हैं, या तो पहले वाले से होगा या तो लास्ट वाले से या तो बी बी सी अच्छा से। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि पी के सबसे करीब में आ रहा है क्यू, तो ये कैसे आया होगा पी का अल्लास कराया है तो यहाँ पर प्लस एक हो गया। ओ के आस पास एन है और ओ के मतलब पी वाला है लेकिन ओ के पहले तय आता है, यहाँ पर क्या किया है माइनस एक, ओ के जस्ट पीछे वाला जो छह होता है वो एन होता है। उसके बाद सी जो है डी किया है तो यहाँ पर देखिए ए प्लस एक किया, के के बाद जे नहीं आता, के पहले से होता है, ये क्या हो जाएगा माइनस एक, यानी कि क्रम क्या चल रहा है प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक, तो यहाँ पर भी प्लस एक होगा और यहाँ पर भी माइनस एक होगा। हमको क्रम पता चल गया, क्रम से वैसे ही नंबर से करना है तो यहाँ पर भी क्रम से
इसको ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या कोडिंग छुपी हुई है।
क्लाउड बराबर जीबी आर के है तो साइड बराबर क्या, यहां पर सी का कुल क्या हो जाएगा 3, एल का 12, ओ का 15, यू का 21 और डी का 4। और इसको नीचे लिख लीजिए है कि टी आर ए एल, जी का 7, टी का 20, आर का 18 और के का हो जाएगा 11 और एफ का हो जाएगा 6। मिलाते हैं पहले तो पहले से मिलाकर देखते हैं कि क्या सही हो जाए। पहले देखा जाए 3 से 7 में तो ये कैसे आया था, 10 साल में एक बार फिर इसको देखा जाए तो ये कैसे आया होगा 10 8 करने के बाद 12 20 और ये जो है आपका 3 करने के बाद और यहाँ तो कुछ आंसर भी नहीं बनता है। यहाँ पर डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं बनता है, यहाँ पर 4 कर रहा है, 8 कर रहा है, 3 कर रहा है, इसमें ये चीज हम उस पर बात नहीं करते हैं, कोई विशेष चीज पहले के पहले से करने के बाद। फिर देखा जाए कि अगर हम पहले को लास्ट होने के साथ है 3 के साथ 6 का तो ये कितना जुड़ा हुआ है +3 और यहाँ पर दूसरे वाले का इसके साथ करें ये हो जाएगा -1। इसके बाद तीसरे वाले के इसके साथ करिए ये हो जाएगा 15 3 18 +3 फिर 21 के साथ 20 को करा जाए तो ये हो जाएगा क्या आपका -1 और ये कितना यहाँ पर ये हो जाएगा आपका +3 यानी वो क्या हो गया पहले वाला लेटर का लास्ट वाला लेटर के साथ एक संबंध है वो किस तरह का है, एक बार +3 किया है फिर -1 किया है फिर +3 किया है फिर -1 किया है +3 -1 +3 -1 ये क्रम चलेगा पहले वाले का लास्ट से फिर दूसरे वाले का अंत से दूसरा फिर तीसरे वाले का अंत से तीसरा वाले का अंत से चौथा और लास्ट वाले का ये देखा इसमें कर यही कर रहा है कि +3 किया फिर -1 किया फिर +3 किया -1 +3 -1 +3 -1 एक राउंड चलेगा। यहाँ पर भी हम देख लेंगे S I G H T S का 19 I का 9 G का 7 H का 8 T का 20 तो इसको पहले यहाँ लिखिए क्या करेंगे हम +3 करेंगे 19 को 3 जोड़ेंगे +3 तो कितना हो जाएगा 22 फिर इसके बाद 5 कर दीजिए ये क्या हो जाएगा -1 करेंगे तो 9 से 8 फिर ये आपका 7 इसमें क्या करेंगे +3 -1 +3 तो 7 जाएगा 10 फिर इसके बाद इसको रखेंगे एच वाले को इसमें क्या करेंगे -1 फिर जाएगा 7 और लास्ट वाले में क्या करना है +3 जो और बी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नोबल बराबर यू आई ई क्यू ओ क्या
सपोर्ट लिखने के लिए पहले इसको लिख लेते हैं नीचे क्यू आई डी क्यू ओ। एम का कितना हो जाएगा 14, ओ का 15, बी का 2, ई का 5 और एल का हो जाएगा 12। क्यू का हो जाएगा 17, आई का 9, ई का 5, क्यू का 17 और ओ का 15। बताते हैं कि 14 के सबसे पास वाला अंक कौन सा है। ये आपका 15, ये 15 कैसे आया होगा 14 में जोड़ने के बाद। ठीक है, यहाँ पर प्लस दिख रहा है। इसके बाद इसको देखा जाए 15 और ये 2 17, तो इसका मतलब यहाँ क्या किया होगा प्लस 2 किया होगा। फिर यहाँ पर देखा जाए बी को और इस बी को, तो 2 के बाद 5 लिखा है यानी अगले है प्लस 3 किया है। इस 5 को देखा जाए तो इसको भी सबसे करीब में कौन है 15 है, 17 है लेकिन उससे भी करीब कौन है 15 को हमने सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया था, तो फिर हम 17 पे आते हैं। तो 15 को हमने देखा कि यहाँ पर एक ऐड करने के बाद इसका संबंध यहाँ बनता है प्लस 1। फिर दूसरे को देखा तो इसका कैसे बन रहा है प्लस 2 का बन रहा है। तीसरे वाले का प्लस 3 का है। चौथे वाले का प्लस 4 का। पांचवे वाले का क्या है प्लस 5 का। ये क्रम से ये चीजें हो गई, तो वही काम हमें यहाँ पर भी करना होगा राइट के केस में। भारत का कितना हो जाएगा, भारत का है 18, आई का 9, जी का 7 और एच का 8 और टी का कितना 20। यहाँ पर पहले ऐड करेंगे प्लस 1 तो 18 19, यहाँ ऐड करेंगे प्लस 2 ये क्या हो जाएगा 9 11 और यहाँ ऐड करिए प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 7 10 और यहाँ पर लोग ऐड करेंगे प्लस 6 तो 8 12 और यहाँ हो जाएगा प्लस 5 यानी कि 20 5 25। अब जिसका कोड जो भी होता है उसको देखते हैं, बड़ी होता है 25 का और 12 होता है 12, इसका जीरो होता है इसका हो जाएगा के और इसका क्या हो जाएगा एस। तो एस और यू बी सूट की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके 30 से 40 सेकंड के लिए इसको सॉल्व करें। इसको यहाँ मैंने लिया जी आई बी बी, इसको 2 5 दो के सबसे करीब वाला जो अंक है तो 4, लेकिन हम पहले को पहले वाले से मिलाए तो यहाँ क्या होगा कैसे आया होगा 2 से 7 आ जाए प्लस 5 करने के बाद। फिर यहाँ देखा जाए 5 से 9 तो ये कैसे आया होगा प्लस 4 करने के बाद। फिर हम इसको देखें 1 से आया 4 तो ये कैसे आया होगा प्लस 3 करने के बाद। और 20 से 22 ये कैसे आया होगा प्लस 2 करने के बाद। यानी क्रम क्या चल रहा है, पहले प्लस 5 करो फिर प्लस 4 करो फिर प्लस 3 करो और फिर क्या कर दो प्लस, ये क्रम चल रहा है। हम वही काम यहाँ पर ले जाए ऐसा कितना हो जाएगा 19, ओ का हो जाएगा 15, यू का हो जाएगा 21 और टी का हो जाएगा 16। पहले में जोड़ेंगे 5 तो प्लस 5, फिर जोड़ेंगे प्लस 4, तब यहाँ पर क्या जोड़ेंगे प्लस
प्लस 3 और यहां पर क्या करेंगे प्लस 2 तो 19 5 24 15 4 19 और 21 3 24 और 16 2 कितना हो जाएगा 18 24 होता है x x का और 19 होता है x का ये फिर से x का और 18 हो जाएगा ये आपका यदि एडिशन यदि एडिशन को हम लोग लिखे 3891 3891 965 965 2 हम टाइप को कहें TIDD इसको हम लोग क्या लिखे अब ये क्वेश्चन है जो पैटर्न है इसमें आपको लेटर दिया हुआ है टॉप अप दिया हुआ तो जब भी लेटर से मांग ले तो उसके क्या मतलब हो सकते हैं क्या कर सकते हैं हमने जो पोजीशन लगा दिया है जैसे हम एबी को लें और एबी पर आप मान लीजिए 3 5 लिखा है इसके दो पहलू हो सकते हैं सोचने के या तो इनकी डायरेक्ट पोजीशन लिखा होगा यानी ए की पोजीशन हम जानते हैं एक है और बी की पोजीशन कितनी होती है दो ये हमने ऐसा क्यों कहा क्योंकि हमने अक्षरों की पोजीशन भी याद करके रखी है अंक के फॉर्म में या तो इनका पोजीशन लिखा होगा तब अंक आया होगा दूसरा केस क्या हो सकता है या तो इनकी पोजीशन हो जैसे एक और इसकी दो है या तो इनकी पोजीशन को क्या कर दिया होगा जोड़ दिया होगा दो एक थी अंकों के साथ तीन या चार चीजें हैं जो कि की जा सकती है पहला डायरेक्ट रखा जा सकता है दूसरा सारे अंकों को जोड़ा जा सकता है तीसरा क्या है कि अंकों को गुणा भी किया जा सकता है जैसे मान लीजिए कि अगर हम ए बी सी करें तो हो सकता है कि इसका एक इसका दो इसका तीन और यहाँ पर तीन दुना छह और छह एवं छह ये हो सकता है यानी अगर उनको गुणा भी करा जा सकता है अब कौन सा पैटर्न क्या फॉलो करेगा ये चीज समझने के लिए आपको ये समझना है कि जब जितने अक्षर हैं उतने ही अंक हों जितने अक्षर हैं उतने ही अंक हों तो इसका मतलब ये होगा कि इसे डायरेक्ट पोजीशन रखा हुआ है जितने अक्षर हों उतने ही अंक हों इसका मतलब ये होगा कि इसने डायरेक्ट पोजीशन रखा हुआ होगा अब डायरेक्ट पोजीशन में हो सकता है कि जिसकी जो पोजीशन हो उन अंक के कुछ और रखा हो तो कैसे रख सकता है जैसे मान लीजिए अगर सी सी डी ई की जगह रख दिया उसने 3 4 5 और एक क्वेश्चन मान लीजिए जी की जगह इसने रख दिया 9 7 3 दोनों में अंतर क्या है पहले इसने जो जो पोजीशन थी सेम टू सेम वही रख दी सी का 3 डी का 4 होता है 4 रखा ई का यहाँ पर 5 रखा और यहाँ क्या किया ई का 9 रखा एफ का 7 रखा और जी का क्या रखा 3 रखा तो यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं लेगा चूंकि ई का 5 होता है लेकिन यहाँ क्या रखा है 9 रखा है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है इसके 5 में 4 जोड़ दिया तभी 9 आया होगा फिर या तो ये हो सकता है कि ई को एक नया नंबर ही दे दिया कि लो भाई आप इस बार तुम्हारा 9 ही है कोई जोड़ा नहीं बनाया सीधे नया नंबर दे दिया इसी को इसके लिए फिर एफ पर देखिए 6 है 6 की जगह क्या किया है 7 किया होगा तो हम कैसे जानेंगे कि डायरेक्ट नंबर दिया है कोई नया सा या इसके पोजीशन में कोई जोड़ा हुआ है यहाँ देखिए ई का यहाँ पर है 5 और यहाँ पर 9 तो कैसे जोड़ा होगा 10 4 अब एफ का होता है 6 यहाँ 4 जोड़ा और यहाँ पर भी कुछ 4 या 3 है ना कुछ ऐसा जोड़ा होना चाहिए जोड़ा जाना चाहिए जो कि क्रम होना है यहाँ पर 6 की जगह 7 रखा है यहाँ पर क्या जोड़ा है 1 कोई कुछ क्रम नहीं होना है इसके से हम समझ जाएंगे यहाँ पर इसकी जगह पर एक नया अंक ही उसने दिया
अगर आप पर क्वेश्चन पे एक दो तीन चार पांच छह सात सवाल आएगा, चार पांच छह सात नौ सात के हैं काम, इसका मतलब कि जोड़ा नहीं होगा, सीधे सीधे इन अक्षरों की जगह एक नया अंक रखा है। और हम देखते हैं कि क्या ये पोजिशन रखा है, ई की पोजिशन कितनी होती है पांच, और यहाँ क्या रखा है तीन रखा है। हो सकता है कि माइनस दो किया अभी भी है, कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पर इनको नया नाम ही दे दिया है, इनकी पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। एक और तरीका कि जो यहाँ दिया हुआ है और जो यहाँ पूछेगा ये वही पेपर होंगे जो यहाँ पर उपस्थित होंगे, तो आप समझ जाएंगे कि इनकी जगह जगह डायरेक्ट क्या है कोडिंग भी है, जैसे आप टी आई डी ई, इसमें भी टी आई डी ई मौजूद है, टी आई डी, तो बस इन्हीं में से कोड आपको छोड़ेंगे, इसका कोड यहाँ क्या हो जाएगा टी का कोड तीन और डी का हो जाएगा आठ, दोनों तीसरे सीधे टी की जगह क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा टी की जगह हो जाएगा एक, आई की जगह एक दो तीन, एक दो तीन नौ हो जाएगा, और टी की जगह कितना हो जाएगा एक दो यानी कि आठ, टी की जगह कितना हो जाएगा पहले पहले यहाँ थी यानी कि ये इसका अंक हो जाएगा 1983। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्रेमा बराबर नौ छह सात तीन एक, नौ छह सात तीन एक, तो आपको फोर्ड करना है रमा रमा का फोर्ड क्या होगा, पी का होता है सोलह, पी का है कितना नौ, यानी कंफर्म हो गया कि इनका अलग से ही अंक दे दिया है, इनको अलग से अंक दे दिया है। दूसरा एक कंफर्मेशन कैसे हो गई कि जो यहाँ अच्छा दिया है वही अच्छा इसमें भी मौजूद है, आर ए एम ए यहाँ पर मिलेगी, आर ए एम ए यहाँ पर भी ये है, एम ए और आर ए मौजूद है, इसका मतलब चार आ गया कि आप किसी में से खोज के लिए बता दीजिए क्या इसका आर पहला देखिए दूसरे में छह, इसका छह हो जाएगा, इस नदी की अंत वाला है एक, इसका एक हो जाएगा, एम आई है तीन, इसका तीन हो जाएगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है इसी तरह का क्वेश्चन, यदि टी ए पी बराबर थ्री वन टू जीरो जमीन की वैल्यू क्या होगी, एम ए वी आई एन इसकी वैल्यू क्या होगी। चौधरी वीडियो का 20-30 सेकंड के लिए पोस्ट किया है, यहां देखा जाए तो सी ए टी, तो सी की जगह कितना लिखा है तीन, ए की जगह कितना लिखा है एक, और टी की जगह कितना लिखा है दो जीरो यानी कि बीस। यहाँ पर अलग रंग नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली इनकी पोजीशन की लिखी है, यहाँ पर अलग रंग दिया है कि पोजीशन के अलावा, लेकिन यहाँ पर क्या है सी की तीन तो होती है, ए की एक तो होती है और टी की बीस होती है, यानी कि यहाँ डायरेक्ट पोजीशन ही रखा है, आप भी यहाँ क्या करेंगे पोजीशन रखें, इनका कितना होता है चौदह, ए का होता है एक, बी का होता है बाईस, और आई का होता है नौ, और एल का कितना हो जाएगा।
हॉस्पिटल बराबर 3257 4618 आपको बताना है पोस्ट और डाक कोड हमको पोस्ट और डाक कोड बताना है वीडियो को 2 से 10 से 20 से 30 सेकंड के लिए पॉज करिए और इसको सॉफ्ट हॉस्पिटल बराबर 3257 और यह पोस्ट मिला कर देखा जाए एच का होता है आप और यहाँ क्या दिया है तीन यहाँ आठ दिया है तो हो सकता है कि इस एच का पोजीशन पहले ना रखा बाद में रखा जाने के अब ये ओ का होता है तो 15 क्या है 15 दिया है 15 नहीं दिया है इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पहले पोजीशन आ अब हम यहाँ से मिलाते हैं कि देखिए जो कोड पूछा है जिन अक्षरों का ये सारी अक्षर यहाँ पर मौजूद है ईओ ईओ एस एस टी टी ए सारी मौजूद है यहाँ से साफ जाहिर हो गया कि इन सब का कोड इसी में छुपा हुआ है तो बताइए सी का कोड हो जाएगा 1 2 3 4 4 यानी कि 7 ये हो गया 7 होगा देखिए दूसरा होगा ये दो इसका हो जाएगा 2 एस का देखिए एस का तीसरा इसका हो जाएगा 5 और टी टी जो मिलाते हैं तो टी का है लास्ट का तीसरा 1 2 3 तो ये हो जाएगा 6 तो टी का हो जाएगा 6 और ए का अंत से दूसरा तो 1 और एल का हो जाएगा अंत वाला 8 9 1 7 8 2 9 1 7 8 2 तो आपको बताना है IGHTP इसके बाद देखिए सारे क्वेश्चन मैं और लोगों के लिए छाड़ता हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप करते हैं तो आपका जो एग्जाम है आप अच्छे स्कोर कर लेते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि हाँ ये सही है आपके काम का यानी और ये नौ एक सात आठ पाँच अच्छे यहाँ है पाँच अच्छे यहाँ मिला है क्या इसका बोर्ड को मिला है नहीं दिया है यहाँ पर एच का कितना हो जाएगा एच का 8 फिर यहाँ से 4 घटाइए ये 3 हो जाएगा 4 घटाएंगे 4 यहाँ माइनस 7 करेंगे 1 यहाँ माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगा 0
पांच का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पांच का डी, टी का थ्री का हो जाएगा सी, और डी का हो जाएगा चार, और ए का हो जाएगा ए। इसका कितना होगा, अगर ए का ए लिखते हैं तो जीरो तो हो नहीं है, जीरो तो जीरो जिसके पीछे आ रहा है ए के पहले जीरो आता है, तो ए के पहले क्या आता है, ए के पहले वाला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। वैसे आपको ये नहीं लिखा क्यों नहीं लिखा, पांच तीन चार जीरो देखते हैं क्या हो रहा है। आर के बाद एस का तो सामने भी रहेंगे, नेक्स्ट अच्छा लिखा है सी किया है, ई का तो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ई का होता है कितना पांच हो गया, और यहाँ क्या लगता है दो, तो हो सकता है तीन कटा कर लिखा, चलिए एक बार मैं मान लेता हूँ। क्यू के बाद पी क्यू बाद यहाँ भी नेक्स्ट लगता है, यू भी लेकर के पांच लगता है, इसका भी कुछ समझ नहीं आ रहा यू का होता कितना है इक्कीस, जैसे अगर यहाँ पी यू बनाता है अगर यहाँ पी यू बनाता है यानी ये कांसेप्ट क्या हो गया, पता नहीं कैसे लिखा है अगर लिखा जाएगा फिर से ही इक्वल टू कर दिया, फिर यहाँ क्या किया है एस के बाद नेक्स्ट अक्षर टी के बाद नेक्स्ट अक्षर, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि इसका क्या करना है, जो बीच में इन दोनों को किया है यू और इनको इनके अंदर क्या कांसेप्ट चल रहा है ये आपको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ऐसे हैं जो कि आपको उदाहरण से अगर देखा जाए तो जो नेक्स्ट नेक्स्ट किया हुआ है जिन अक्षरों में वो सारे अक्षर व्यंजन है, देखिए आर का नेक्स्ट एस किया, क्यू का नेक्स्ट किया, ई एस का और टी का, ये सारे व्यंजन है आर क्यू एस और टी, और जिनको नेक्स्ट नहीं किया है यहाँ तक अंक लिखा है वो सारे क्या है स्वर है, जैसे ई भी स्वर है यू भी स्वर है और ई भी ए आई यू ये सारे स्वर है, यानी कि अंक लिखा है स्वरों की जगह पर और अक्षर लिखा है व्यंजन की जगह पर, और यहाँ पर दो कैसे आएगा पता नहीं चल रहा है, बट एक चीज है कि अगर हम लिखें ए आई यू आप इसको नोट कर लीजिएगा कि उनका भी अलग से कोड होता है, जैसे ए आई यू ऐसे लिखे जाते हैं ये पहले होता है ये दूसरे पे तीसरे पे चौथे पे इनका एक अपना कोड होता है स्वरों का एक दो तीन चार पाँच, एक इनकी अपनी पोजिशन तो होती है इनकी पांच होती है लेकिन ई का एक कटाव भी होता है, तो इसलिए ई एक अलग से रखे जाते हैं, तो देखिए वही काम किया है ई की जगह दो जो कि ई दूसरे पे आता है, यू की जगह पांच जो कि यू देखिए पांच में आया है, ई की जगह दो जो कि ई जो है दूसरे पे, वही काम यहाँ करिए स्वर कौन कौन सा उसको शॉर्ट करते हैं एक और आई ए का कितना होगा एक और आई का कितना हो जाएगा तीन, और सी और डी तो व्यंजन है तीन का नेक्स्ट अक्षर लिख लीजिए टी और डी का नेक्स्ट अक्षर कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा वन डी। दोस्तों ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसका नॉलेज होना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसका।
और जहां तक है इस कंसेप्ट को नहीं जाना है तो आप कोई कर सकते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे वो क्या है, ज्यादा टाइम देंगे तो बाकी आगे क्वेश्चन नुकसान करेंगे आपको। तो आज की क्लास के अंदर नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन